और अब हम सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहां से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और आज भी काफी हंगामा पक्ष और विपक्ष की ओर से देखने को मिला। यानी कि कह सकते हैं कि आज तीसरा दिन भी जो था विधानसभा के मॉनसून सत्र का, वो भी हंगामेदार नजर आया। एक तरफ जहां विपक्ष तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही, वहीं सरकार में जो नेता हैं उन्होंने भी केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। हम सीधे चलेंगे गौतम के पास। गौतम, क्या कुछ रहा आज विधानसभा, जिस तरीके से आज फिर से हंगामे की भेंट चढ़ा, क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें रहीं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, और हंगामा न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी पूरी तरीके से आज संसद में हंगामा करती नजर आई। उम्मीद इस बात की थी कि कुछ चंद घंटों के बाद शायद फिर सदन चलेगा, मगर स्थिति को देखते हुए सदन को स्थगित करना पड़ा और सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन में इतना जोरदार हंगामा शायद पहले कभी नहीं हुआ हो, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने बातों को लेकर के अड़े हुए थे। विपक्ष साफ तौर पे पिछले दो दिनों से मॉनसून सत्र के दौरान ये कह रही थी कि जब तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक नीतीश कुमार कोई अपनी बात नहीं रख देते, तब तक शायद हम सदन नहीं चलने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अपनी ही गाड़ी में लाकर सदन जब लाए, तभी अंदाज़ा लग गया कि वो इस्तीफा न तो मांगने वाले हैं और ना ही इनको विपक्ष को इस्तीफा मिलेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी का जो उग्र तेवर है वो सदन के बाहर भी देखने को मिला, और सबसे ज़्यादा स्थिति तो तब खराब हो गई जब सदन के अंदर माइक और टेबल और कुर्सियों को तोड़ने की कोशिश की गई विपक्षी विधायकों के द्वारा। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि सदन को स्थगित करना, लिहाजा सदन स्थगित हो गया है और कल 11 बजे तक के लिए स्थगित है। यानी कि 11 बजे के बाद जब सदन चलेगा तो उसमें भी जो गुंजाइश है वो बिल्कुल सदन चलने की होती नहीं दिख रही है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही भाकपा माले ने भी महागठबंधन के नेताओं के जो विधायक हैं भाकपा माले, उनके विधायक भी सदन के बाहर बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और पीएम मोदी के प्रधानमंत्री आवासीय योजना में हुई अनियमितता को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और साफ तौर पे ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना तो गरीबों का भला हो रहा है और ना गरीबों तक जन-जन की जो योजना है प्रधानमंत्री की वो सही तरीके से पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर आमना सामना हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। तो ये जो मानसून सत्र है वो, हाँ कहते हैं ना कि मानसून सत्र में जहाँ मानसून में बारिश होती है, वहाँ विधायकों के द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा इस तरीके का हंगामा होगा शायद ये किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी बात यह रही कि कुछ स्कूली बच्चे जो प्राइवेट स्कूल और अलग अलग स्कूलों से सदन को देखने आते थे, आज उनका दिन था, लेकिन उन लोगों ने भी, उन बच्चों ने भी माननीयों के इस हंगामे को देखकर नाराज़गी जाहिर की और कहा कि शायद अगर यही हाल है सदन का तो मैं कभी भी नेता या सदन तक आने की कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हंगामा होता है। तो आने वाले जो देश के भविष्य के बच्चे वो आज सदन देखने आए तो उनको भी हंगामेदार सदन ही देखने को मिला, और नेताजी की जो नेताओं का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक था, जिसकी वजह से लोकतंत्र के मंदिर में ये सब कुछ देखने को मिला। रही बात आरजेडी की, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि यदि उनको इस्तीफा मांगना ही था तो जब वो ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस समय भी वो चार्जशीट थे, उस समय भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे, तो उस वक्त सरकार कहाँ थी? तो सरकार बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम करती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया और आज सदन स्थगित होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि इस तरीके से अगर इस्तीफा देना होता तो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो कहाँ से लोकतांत्रिक तरीका था? तो यानी कि बीजेपी अगर कोई काम करती है तो वो लोकतांत्रिक हो जाता है, और अगर कोई गैर बीजेपी इस तरीके का काम करती है तो उससे इस्तीफा मांगा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराज़गी थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, और यही वजह थी कि आज
पूरा का पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और इंतजार करना होगा कि कल 11 बजे क्या होता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा RJD, BJP और भाकपा माले, इन सभी अलग अलग दलों के विधायकों ने अपने अपने अंदाज में प्रदर्शन किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से बातचीत हुई तो साफ तौर पर, और खास करके जो महिला विधायक थी, वो भी कह रही थी कि अब नीतीश कुमार की जो छवि है वो पहले जैसी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका वो जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ चली जाती है। ऐसे में जब इससे पहले मेवालाल चौधरी के ऊपर जब आरोप लगे थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, इसके बाद मंजू वर्मा से इस्तीफा ले लिया गया था। कई बार ऐसा मौका आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में जब कभी भी किसी के ऊपर आरोप लगा है तो वो इस्तीफा मांग लेते हैं, ताकि वो ये कह सकें कि हाँ वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, दागदार छवि के नेता माने जाते हैं। तो अब विपक्ष इस बात के ऊपर, उनकी छवि पर भी अब हमला करने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि के ऊपर भी अब हमला करते हुए साफ तौर पर कह रही कि अब मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है, आरोपियों के साथ समझौता कर लिया है, और यही वजह है कि वो एक ही कार में तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को लेकर आते हैं। ये बातें बीजेपी को बहुत नागवार गुजरी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये राजनीति है, और राजनीति के इस दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो लोकतंत्र के मंदिर में, जहाँ जन जन की योजनाएं और परियोजनाएं और इसके अलावा एजेंडे तय होते हैं कि आगे क्या करना है, फ्यूचर कैसे बेहतर हो बिहार का, बिहार के लोगों का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो, इसको इसकी चिंता करने के बजाय इस्तीफे की जो डिमांड है वो सदन में गूंजती नजर आ रही। जी गौतम, एक महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करेंगे जिसकी वजह से ये पूरा सदन जो है वो हंगामेदार नजर आया, और वो ये है कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब इस पर तेजस्वी यादव ने भी अपना स्टैंड रखा है, उन्होंने कहा है कि इस्तीफे की मांग जो है वो आधारहीन है। गौतम, क्या लगता है ये जो स्टैंड है तेजस्वी का, ये उनके कितने काम आने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, तेजस्वी यादव साफ तौर पे पहले भी कहते रहे हैं कि अगर CBI ED को अपने में लालू राबड़ी आवास में दफ्तर बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि लगातार RJD और RJD का परिवार ये कहता रहा है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाने की साजिश हो रही है, राबड़ी देवी को फंसाने की साजिश हो रही है। केंद्र और BJP पर ये आरोप शुरू से RJD लगाती रही है कि कहीं ना कहीं ये इन परिवारों को हमेशा CBI ED से घेरती रहती है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। और तेजस्वी यादव उनका जो परिवार है, या लालू प्रसाद यादव या उनका जो परिवार है, वो इन सब चीज़ों से बहुत बेफिक्र है, क्योंकि इन लोगों को आदत सी हो गई है। CBI आए, चाहे ED आए, चाहे इवन कि कोई भी आ जाए, उससे लालू प्रसाद यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ये इस बार का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव, उनके जो उनकी बहन और खुद राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तो ये जॉब के बदले जो नौकरी के बदले जो पैसे लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं उसका ये मामला है। और इसमें भी ये कह रहे हैं कि ये इसमें भी फंसाने की साजिश है, लेकिन जब तक ये कोर्ट फैसला नहीं ले लेती या तब तक हम इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब कि तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से अडिग हैं। और लालू प्रसाद यादव ने भी पिछले दिनों जब स्थापना दिवस हुआ था तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, क्योंकि CBI और ED जो है वो PM मोदी के इशारे पे काम कर रही है। तो विपक्ष ये जो सरकार में है वो ये कह रही है कि BJP ये कर रही है, BJP ये कह रही है कि ये सब अपने काम कर जो कार्यशैली है उसके तहत किया जाता है, जब हर किसी के साथ नहीं होता है, जो गलत करेगा वो फंसेगा। तो कहीं ना कहीं ये नेक टू नेक जो लड़ाई है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तेजस्वी यादव या इनकी जो राजनीति है वो उसके ऊपर कोई अभी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आरोप, और जिस तरह से जो हाल के दिनों में कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका काम ही है, जो लोग BJP में शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो बिल्कुल वॉशिंग पाउडर की तरह हो जाते हैं। आज भी देखा आपने, कहा कि BJP बड़ी बड़का झूठा पार्टी है, अपने अंदाज में कहा था कि BJP का मतलब बड़का झूठा पार्टी।
और वो कुछ भी कर सकती है, केंद्र के इशारे पे कुछ भी हो सकता है। जो लेकिन अगर वही चीज़ देखिए कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के जो विधायक थे छगन भुजबल और इनके ऊपर, अजीत चौधरी के ऊपर, तो यही कह रहे थे कि ये, लेकिन जब NDA में आ गए, शामिल हो गए, उन्होंने सरकार बना ली, तो फिर वही छगन भुजबल और अजीत पवार सबके सब अच्छे हो जाते हैं, मतलब सबके सब पाक साफ हो जाते हैं, दूध के दूल्हे हो जाते हैं। यही वजह था कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी जो विपक्षी पार्ट जो NDBJP है वो ये कह रहे थे कि एक ऐसा वाशिंग पाउडर है BJP, जहाँ पे अगर आप कितना भी गंदगी या कितना भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप जाते हैं BJP, अगर माला पहन लेते हैं BJP की, तो आप बिल्कुल आप पाक साफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति के अंदर इस तरीके की चीज़ें चलती है, बयानों का दौर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का हो रहा है, क्योंकि सदन सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का था और 5 दिनों में 3 दिन निकल गए। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कल 11 बजे क्या होगा, तो कल दिन भर देखना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सदन चलने की सिर्फ 1% गुंजाइश है, वरना 99% तो यही होगा कि सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी प्रदर्शन होगा। और कल का दिन भी इसलिए खास है क्योंकि कल 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा पूरी तरीके से सदन का घेराव करेगी, मार्च करेगी। तो ये पहले से तय है कि ये तो मन बनाए हुए हैं कि सभी मंत्री विधायक सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे। और रही बात सरकार की, तो बिना विपक्ष की सरकार सदन में कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए स्वाभाविक है कि सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा, और इंतजार के साथ साथ सिवाय हंगामे के और कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में सिर्फ हंगामा ही होना बाकी है। जी चलिए, धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब उम्मीद है कि कल जो चौथा दिन होगा बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का, वो देखना खास होगा कि क्या अंतिम दिन कोई कार्रवाई हो पाती है, क्या जनहित के मुद्दे वहां पर रखे जाते हैं, क्या न्याय के मुद्दे वहां पर रखे जाते हैं। तो कल का दिन विधानसभा के लिए बेहद खास होगा।